بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى اليك واصحابك يا خاتم النبيين امير الاسلام دامت برکاتہ علیہ حیدر پاکستان سے باہر کے ملک تشریف لے کر گئے تو ایک سوشل میڈیا کے اوپر एक पोस्ट चली कि की गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी कि जिसकी वजह से अमीर अली सुन्नत भी जख्मी हुए, आपका जो ड्राइवर है वो इंतकाल कर गया, वो इस वाकये के अंदर इंतकाल हो गया उसका। तो बहरहाल ये जो खबर चलाई गई है ये खबर झूठ पर मबनी है। अमीर अली सुन्नत आमद बरकातुम वालिया ने इसकी खुद तरदीद की है। बस कुछ लोग होते हैं उनको देखते दागते कुछ नहीं है, बस उनको अफवाह फैलानी होती है। याद रखिएगा कि सुनी सुनाई बात के ऊपर कभी भी आपने भरोसा नहीं करना है जब तक कि आप उस बात की तहकीक ना कर लें। अब कुछ लोगों ने बस ये बात सुनी, वो धड़ाधड़ सोशल मीडिया के ऊपर आम कर दे कि अमीर अली सुन्नत आमद बरकातहू आलिया पर कातिलाना हमला किया गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अमीर अली सुन्नत आमद बरकातहू आलिया की जबानी आपको सुन लीजिए कि आप पर कुछ भी नहीं हुआ, आपने खुद इसकी तरदीद की है और आपने बयान इसके मुतालिक जारी कराया है। आप बयान अमीर अली सुन्नत का सुन लीजिए। मेरे बारे में ये अफवाह सुनी गई कि माशाअल्लाह मुल्क पर फायरिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह की रहमत है, मैं तो मुल्क से बाहर हूँ, जो खाना खा रहा हूँ अल्लाह का करम है, दुआ फरमाए अल्लाह पाक मुझे आखिर सांस तक नेकी की दावत देने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग झूठी अफवाह उड़ाते हैं अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे, इसका अजाब क़यामत के दिन बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। जैसे कि आपने बयान में सुना कि अमीर अली सुन्नत आमद बरकातहू आलिया ने इस वाक्य की तरदीद की कि ऐसा कुछ भी वाक्य रानुमानी हुआ। बस कुछ लोग होते हैं बस अफवाह फैलाने के आदि होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। और अफवाहों पर कभी भी कान ना धरा करें जब तक के दाऊद इस्लामी के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं या पेजेस हैं वहाँ से आपको किसी भी बात की खबर आप ना है। ये बहुत सारे पेजेस बना दिए गए, चैनल्स बना दिए गए जिसके ऊपर इस तरह की अफवाह फैला दी जाती है, लोगों में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।